यस बिलाल, पूछिए अपना डाउट, पूछिए जो भी आपके डाउट से। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आपने क्या किया हुआ है और कब पास आउट ईयर है, अभी क्या कर रहे हो, और डाउट अपना पूछ लो। यस सर, माय नेम इज बिलाल अख्तर। आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीटेक इन सिविल इन द ईयर 2017 एंड आई एम परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली एनसीआर इन एन स्ट्रक्चरल फर्म। ओके, सो योर प्रोफाइल मींस वहां पे तुम्हारी प्रोफाइल कौन सी है? सर, माय प्रोफाइल इज आई एम वर्किंग एज अ डिजाइन इंजीनियर। सो लाइक योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आरसीसी स्ट्रक्चर और एनी फूटिंग टाइप स्ट्रक्चर समथिंग? टू डिजाइन आरटीसी स्ट्रक्चर्स। आरसीसी स्ट्रक्चर्स, ग्रेट। यस नाउ लाइक राइट नाउ यू आर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर बेसिकली, या यस सर। राइट? सो व्हाट्स योर डाउट? सर फर्स्ट मेरा एक ये डाउट है, मेरा एक्चुअल में आज जो मेरा डाउट है तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ना होकर बीआईएम से रिलेटेड है, क्योंकि तो मुझे बीआईएम में भी काफी इंटरेस्ट है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे सर किसी भी एमएनसी में कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई भी प्रोजेक्ट मतलब स्टार्टिंग से अगर मतलब आता है, तो उस प्रोजेक्ट में हमें स्टार्टिंग फेज हमारा क्या रहेगा, हमें डिजाइनिंग कैसे करनी चाहिए, मतलब किस फेज से हमें स्टार्ट करना होगा, तो मतलब तो जी। तुम्हारा क्वेश्चन शायद ये है कि प्रोजेक्ट को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से और कहाँ पर एंड करते हैं? जी एक्चुअल में सर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की टीम होती है, एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 लोग होते हैं एक प्रोजेक्ट में, अगर मान लीजिए एमएनसी है तो उसमें होंगे। तो उसमें मतलब कैसे कैसे वर्क डिवाइड होता है और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कहाँ से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ओके, देखो पहले सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट मतलब अगर बात करें डिजाइनिंग की बात करो स्पेशली, तो डिजाइनिंग में सबसे पहला जो वर्क होता है वो प्लानिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है? सबसे पहला काम कि उनको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझना है, समझने के बाद प्लानिंग करना है, फर्स्ट टास्क होता है। प्लानिंग जैसे ही कंप्लीट होता है तो दूसरा टास्क होता है उसको आर्किटेक्चर व्यू देना, ठीक है? मतलब कैसे दिखेगा, जहाँ पर प्रोफाइल आता है बीम मॉड्यूलर का, ठीक है? जो कि प्रॉपर विजुलाइजेशन देते हैं कि एग्जैक्टली ये किस किस तरीके से दिखेगा। अब उसमें से अगर वो प्रोजेक्ट डन हो चुका है, मतलब क्लाइंट को पसंद आ चुका है ड्राफ्टिंग से और इस चीज़ से, तो फिर वो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी करेंगे और वो क्या बोलते हैं एमईपी मॉडलिंग भी करेंगे। तो मतलब पहला काम है प्लानिंग, दूसरा काम है मॉडलिंग, तीसरा काम है स्ट्रक्चर्स एनालिसिस, ठीक है? जो तुम इस समय कर रहे हो, ठीक है? तो स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होगा कि आर्किटेक्चर व्यू खराब ना हो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कॉलम देख के उस हिसाब से एनालिसिस कर। उसके बाद चौथा जो काम होता है वो होता है डिटेलर का, ठीक है? अब डिटेलर में अभी तक तो 2D डिटेलर होते थे जिसको हम लोग जो रेनफोर्समेंट वगैरह दिखाते थे, अब थोड़ा तो टाइम चेंज हो गया, अब 3D डिटेलिंग भी होने लगी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर, यस सर। ठीक है? तो अभी स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की प्रोफाइल आ गई। तो ये टोटल बेसिकली चार मेन प्रोफाइल होती है, पहला काम है प्लानिंग्स, दूसरा काम है मॉडलिंग, तीसरा काम है स्ट्रक्चर एनालिसिस, चौथा काम है डिटेलिंग। ये चार काम होती है। अब इसी चार में अलग अलग प्रोफाइल्स के लोग काम करते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्लानिंग जो है उसमें एक ड्राफ्टमैन में काम करेगा, ठीक है? और एक प्लानिंग इंजीनियर रहेगा जो कि गाइड करेगा भाई ऐसे से ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है? उसका जो भी अपना व्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा काम रहेगा जो आर्किटेक्चर वर्क रहेगा, इसमें एक तो बीआई मॉड्यूलर रहेगा जो काम करेगा, ठीक है? उसके बाद अगर एमईपी वर्क भी है तो एमईपी मॉड्यूलर भी रहेगा, ठीक है? और उसके बाद डिटेलर अभी नहीं, उसके बाद एनालिसिस हो जाएगा, एनालिसिस होने के बाद डिटेलर रहेगा जो कि डिटेलर 3D डिटेलर रहेगा जो कि टेकला में काम कर सकता है, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर में कर सकता है, और 2D डिटेलर है तो ऑटोकैड में काम कर सकता है। ये इसका प्रोफाइल है। सर थोड़ा सा डीप में जाना चाहूंगा, हाँ तो इसमें ये है कि जैसे आर्किटेक्चरल फेस की हम बात करेंगे तो जैसे उसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हमें प्लानिंग करनी है, हमने स्टार्टिंग करी, बट ये कि एक टोपोग्राफी फेस भी आता है हमारा जिससे हमें पता लगता है कि मतलब हम किस प्लेन पे क्या बना रहे हैं करेक्ट और किस लेवल पे। तो सर उस चीज वो जो डेटा हमारे पास आता है तो पहले हमें टोपोग्राफी स्टार्ट करनी पड़ती है या फिर हम डायरेक्ट वॉल वॉल से प्लानिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे? देखो कैसे होता है, टोपोग्राफी के लिए जो प्लानर होते हैं जो लैंडस्केपिंग का प्लान करते हैं उनका वो काम रहता है जो कि सिविल 3D के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है? टोपोग्राफी हर जगह की करने की जरूरत नहीं होती है, जो जमीन ऊपर नीचे रहती है बेसिकली उस जमीन पर आपकी टोपोग्राफी होती है जिसमें टोटल स्टेशन से राइज फॉल वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसको सिविल 3D पे लेके जाएंगे, पहले उसका प्लेन एरिया डिसाइड करेंगे, फिर वो ड्राइंग आ जाएगी ड्राफ्टमैन के बाद, फिर वही स्टेप लग जाएगा फिर से।
मतलब टोपोग्राफी वाला जो काम है वो सिविल 3D से पहले हो जाएगा। सिविल 3D से होने के बाद तब आएगा पहले स्टेज में, जो कि क्योंकि आपको प्लेन लैंड दे देंगे, कितना भी ऐसे ऊपर नीचे रहेगा तो उनको प्लेन लैंड देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने प्लेन लैंड दिखा देना है और फिर आगे का सारा काम यही है जो चार प्रोसेस मैंने आपको बताया, ऐसा चलता है। ओके सर, एक क्वेश्चन और मेरा है, अगर मैं पूछना चाहूँ तो। हाँ एक्चुअली में सर आजकल काफी प्लगइन्स आ गए हैं और बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गए हैं, हम देख रहे हैं, जिनसे ऑटोमेटिक प्लानिंग जनरेट हो जाती है। तो मतलब हम लोग इतने इंडिपेंडेंट होते हैं फर्म्स में कि मतलब एआई टूल्स को हम यूज करके और प्लानिंग अप्रूव करा सकें? हाँ राइट नाउ नहीं, ठीक है। कोई भी चाहे तुम कोई भी प्लगइन यूज कर लो, तुम जैसे कि अभी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो RCDC भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर बोलो या प्लगइन ही बोल सकते हो, ठीक है। या फिर तुम्हारा कोई भी तुम प्लगइन यूज करो, जैसे कि रीबारकैड है जो रेबिट के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस पे पूरी तरह तुम स्टेटप्रो की बात करो, ईटैब्स की बात करो, इस पर पूरी तरीके से क्या तुम इंडिपेंडेंट रहते हो क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं नहीं, सर। हर किसी में आपको मैनुअल वर्क करना पड़ता है, तभी तो आपको रखा गया है। नहीं तो फिर मैं एमटेक होल्डर को क्यों रखूंगा, मैं एक हाई स्कूल पास बच्चे को रख लूंगा, भाई ये काम करना, ये स्टेप है, बस क्लिक करना, रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसमें मैनुअल सजेशंस, इंजीनियर की नीड, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इतने ढेर सारे वास्तु आप लोग देखते हो ना, अभी घर बनाते होगे तो कई लोग प्लान वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। वास्तु के लाखों बुक्स अवेलेबल हैं, लाखों रूल्स अवेलेबल हैं, फिर भी हम लोग वास्तु जब घर बनवाते हैं तो वास्तु के लिए पूछते हैं कि भैया किधर क्या रखना है, पूछते हैं कि नहीं पूछते, कंसल्टेंट हायर करते हैं ना, ठीक है। सर कोई बट भी चीज़ एक चीज ये रिप्लेस नहीं थी, कर सकता। जी एक चीज ये थी कि जैसे BIM में आजकल बहुत अच्छे AI टूल्स आ रहे हैं, हाँ तो जैसे सर प्लानिंग तो रैंडम करनी पड़ती है, कोई भी राइट प्रोजेक्ट हो सेम तो होता नहीं है, अलग अलग प्लानिंग करनी है, कुछ ना कुछ माइंड से बहुत सारे आइडियाज क्रिएट करना है। करेक्ट, तो टूल्स ऐसे आ रहे हैं कि हमें थोड़ी बहुत प्लानिंग बन के मिल जाती है, तो हाँ जैसे अगर हम चाहें उसको जनरेट करके और उसमें अपना मॉडिफिकेशन कर लें, कर लें, ये ऐसा तो राइट, तो अलाउड होगा ना सर? ये तो डेफिनेटली लोग कर ही रहे हैं, ये तो लोग कर ही रहे हैं। बट कैसे होता है कि जैसे अब देखो, जिससे कई लोग आजकल डाउट में रहते हैं, ये चीज़ शायद तुम्हारे भी मन में ये डाउट हो कि सर कहीं हमारी जॉब को AI रिप्लेस तो नहीं कर देगा, ठीक है। कल ही ऑब्वियसली मेरे से कोई पूछा था, मैंने बोला कि ये बताओ तुम ChatGPT लास्ट 1 month में कितने बार यूज किए हो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, जी आंसर उसी ने दिया, मैंने नहीं दिया, ठीक है। मैंने बोला ChatGPT तुमने लास्ट 1 month में कितने बार यूज किया, हार्डली किसी ने एक बार किया होगा, किसी ने 2 बार किया होगा, बट चीज तो अच्छी है ना, जी तो ठीक है। किसी ने तो किया भी नहीं है अभी तक, लोग बहुत कम लोग ही जानते किसी हैं ने तो सही से। किया नहीं, सिर्फ किसी ने नाम ही केवल सुना होगा, ठीक है। जी तो कोई भी चीज, अभी अभी तुम सोचो कि अभी तो हमारा बीम ही इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, टीम बीम जो है एज पर द सर्वे केवल 45% कंपनीज तक पहुंच पाई है अभी इंडिया में, 45%। अभी जी 55% कंपनियां बीम को जानती ही नहीं अप्लाई कैसे करना है, तो सोचो कि भी जॉब बिल्कुल अपॉर्चुनिटी सर, कितनी ढेर सारी बची हुई है, 55% पूरी खाली है कंपनियां। उसके जी सर बाद अब AI क्या कर सकता है, AI उसमें हेल्प कर सकता है। देखो अभी मेरे पास, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो अब वीडियो बनाने के तुम लोग देखते होगे एड्स वगैरह तो आते ही होंगे ढेर सारे, इसमें डालो ये वीडियो ऐसे ऑटोमेटिक बना देगा ऐसे करके, राइट। जी जी राइट सर। कितने सब कुछ मैं जानता हूँ, कितने वीडियो मैंने उससे बनाया, एक भी नहीं बहुत बनाया ही नहीं, ठीक है। कुछ दो चार लोग जो बना रहे होंगे, मैंने नहीं बनाया कभी, जबकि मुझे पता है कि वो चीज़ वहां पर होता है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी टेक्नोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, रिप्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है, हेल्प करेगी, और हेल्प करके वो शायद हमारे प्लानिंग को और अच्छा कर दे, हम जल्दी जल्दी काम करें। जैसे कि तुम्हारा एक स्टेट प्रो में एक प्लगिन आता है प्लान विन, है ना, कितना अच्छा जी प्लगइन सर है वो, जी अगर उसको यूज करो तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे देता है, बट उसमें भी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत है कि वो परसेंटेज ज्यादा ले लिया कम ले लिया कौन देखेगा, ठीक है। जी जी डिफ्लेक्शन सर ज्यादा, डिफ्लेक्शन इस बीम में ज्यादा आ रही है कम कैसे होगा, क्योंकि अब इस बीम के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा बार डालोगे तब तो कम होगा ना, राइट सर ठीक है। ये समझना, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, AI आपको रिपोर्ट्स दे सकता है, फाइनल आप ही कर पाओगे, ठीक है। आज के टाइम में सर, मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। जैसे कि बीम के अंदर एक टॉपिक होता है क्लैश डिडक्शन, क्लैश डिडक्शन के बथेरे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, नेविस वर्क है आजकल, एक मैं देख रहा था कौन सा 4D करके सिमुलेट, कई ढेर सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, ठीक है। लेकिन आज भी हमको जब क्लैश डिडक्शन आ जाता है तो मैनुअल मॉडल के अंदर जा, क्लैश डिडक्शन मतलब होता है कोई चीज टकरा रहा है, ठीक है, क्लैश हो रहा है, जी सर तो उसको मैनुअल जाके चेक करना पड़ता है, चेक करने के बाद उसकी हाइट को डिक्रीज करके फिर से क्लैश चेक करना पड़ता है, मतलब आपकी जरूरत वहां पर भी है, तो कोई चीज आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, हाँ आपकी सुविधा को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। जी सर अब ये बताओ कि कैलकुलेटर आ चुका है,
ठीक है, बट क्या तुम क्या बोलते हैं जो हर कोई कैलकुलेटर ही यूज करके काम को कर रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं, ठीक सब तो है, नहीं कर रहे हैं। हमारे सब तो नहीं कर रहा, वो छोटा मोटा फॉर्चून के काम के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर जो एज ए इंजीनियर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से कितने न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है, और जबकि सर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उससे, जी जी होते हैं सर, होते ठीक हैं है, लेकिन हमने गिन के दो चार किए होंगे तो किए होंगे, राइट। बिल्कुल हर कोई सर। कैलकुलस का पूरा फंडा उसका, तो मतलब कैसे होता है कि टूल्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं बिलाल, ये हमें रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, और रिप्लेस भी करेंगे तो हमारा उस समय पर कुछ नया हमारे पास आ जाएगा। जैसे कभी देखो पहले टाइप राइटर होता था खट 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 खट, ठीक है, उसने कुछ चेंज नहीं किया, कीबोर्ड ला दिया, टिक 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 हो गया, फर्क है सेम ना, ठीक है, तो जी रिप्लेस कोई नहीं कर बिल्कुल पाएगा, उसका टेंशन नहीं है, आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और बीम में ना बहुत बड़ा कैरियर भी बन सकता है, ठीक है, बीम में अभी हम लोग जो बीम जानते हैं, जो तुम लोग देखते होगे ना पोस्टर किसी के मार्केटिंग कर रहे हैं कि 2 लाख की फी, 3 लाख की फी और ये सिखा रहे हैं, एक्चुअली वो बीम का केवल एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाते हैं, मैं भी बीम का एक छोटा सा हिस्सा है, क्या बोलते हैं इसको, बीम मॉडलिंग पढ़ते हैं हम लोग, एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है बीम इम्प्लीमेंटेशन, एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है बीम स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कोई पढ़ता नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कोई पढ़ता नहीं, हम लोग अभी कहाँ खेल रहे हैं बीम मॉडलिंग में, और स्ट्रेटजी पर रिसर्च चल रहे हैं बहुत ढेर सारे, इम्प्लीमेंटेशन पे ऑलरेडी कई ढेर सारे रिसर्च हो चुके हैं और भी हो रहे हैं, मतलब अभी बहुत काम बाकी है, हम लोग थोड़ा सा हिस्सा जानते हैं, मतलब सर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अभी हम बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर बिगनर रहे लेवल पे है। हैं। जी जी हमारे यहाँ की कंपनी है LOD 500 तक काम करने के लिए गिननी पड़ेंगी, 2 4 10 कंपनियां, जी जी ठीक है, सर, अभी तो तो मतलब अभी हमने बीम की किसी लिमिट को पाया ही नहीं है, थोड़े से फीचर्स को देखा है, उसमें हम लोग अभी ऐसे उछल रहे हैं, तो AI जो है उस पूरे लिमिट तक तो पहली बात उसको पहुंचना भी संभव नहीं है, मान लो आने जी वाले 50 साल में संभव भी होता है तो हमारे पास तो कुछ और भी रास्ता डेफिनेटली निकल के आ जाएंगे। अब सोचो कि किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब स्टेट प्रो या रिटेल में ली क्या? नहीं नहीं सर, नहीं लिया, बल्कि बढ़ाया है भाई, बड़ी है सर। ठीक है, हमारा काम आसान किया है। ऑटो कैड किसी ड्राफ्टमैन की जॉब लिया है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं लिया है, सर और वैकेंसीज बढ़ती चली गई हैं, बढ़ती चली गई, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली गई। बढ़ती चली गई, तो कोई भी टूल किसी को रिप्लेस नहीं करता, काम को आसान करता है, बस इतना सा बात रहता है, ठीक है। सर मैं एक चीज आपसे ये पूछूंगा हाँ कि जैसे हम कोई मॉडल बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, एक्चुअल में क्या है सर, डिटेलिंग पार्ट के तो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कि हाँ हमें इतना करना है, इतनी थिकनेस है हमारा ये सब। बट सर जैसे एलिवेशंस डिजाइन होते हैं, 3D एलिवेशंस होते हैं, जैसे किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, बट उसमें कंपनी कैसे ऑर्डर करती है एम्प्लॉय को कि हम कैसा एलिवेशन बनाए, क्या हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमें ऑर्डर किया जाता है कि आपको इस टाइप का एलिवेशन क्रिएट करने आपको, तो क्या होता है क्योंकि कि देखो, एलिवेशन मतलब एक नया आइडिया है सर, बिल्कुल क्रिएट करना है माइंड से। देखो क्रिएटिविटी को अगर बांध दोगे तो क्रिएटिविटी निकलेगी ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की यही है कि अगर मैं आज तक मतलब मुझे ना मतलब ऐसे कोई बोलता है कि सर आप ये बता दो कि चैप्टर क्लास 1 में क्या पढ़ाओगे, क्लास 2 में क्या पढ़ाओगे, क्लास 3 में क्या पढ़ाओगे, अभी मेरी क्रिएटिविटी है मुझे फिक्स ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि आज बिलाल को ये टॉपिक जानना चाहिए तो मैं वो टॉपिक लाऊंगा ना, अब बिल्कुल मैं मतलब कोई वो तो हूँ नहीं कि नहीं यार स्पीकर हूँ इस टॉपिक पे आके बजने लगूंगा, नहीं भाई, ये क्रिएटिविटी है कि आपको जरूरत है आज जॉब के बारे में जानने की तो आज मेरा टॉपिक होना चाहिए जॉब के बारे में, राइट है। सर, बिल्कुल उसी चीज की तरह है जैसे अगर कोई शॉपिंग करने गया, अगर वो कुछ डिसाइड करके गया तो उसको वो चीज कभी नहीं मिलेगी। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से लोग मतलब जो करते हैं, आई रिस्पेक्ट बहुत है, बट जी मुझे लगता है और जो कंपनी में भी यही होता है, कोई भी आर्किटेक्चर व्यू का एक थॉट प्रोसेस होता है कि कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, थॉट प्रोसेस के कुछ सैंपल्स आपको दे दिए जाते हैं कि कुछ ये इमेजिनेशंस चल रहा है, जी इस पे आपको वर्क करना है, बट क्या बोलते हैं, एट द लास्ट क्रिएटिविटी आप ही की होगी, हाँ उस क्रिएटिविटी को आगे लेके जाएंगे, लोग उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे कि यार यहाँ पर ये जाली डाल दो तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर ये कंपाउंड को थोड़ा और डिजाइन कर दो तो अच्छा लगेगा, ये ओके है, ठीक है, बट आपको कोई जी बांध नहीं सकता है कि अगर कोई बांध दे कि ये बनाना है तो फिर आप डिजाइनर किस बात के, जी जी सर, बट कई सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं कि हम जो चीज बना रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि जब जी क्रिएटिविटी होने लगती है तो कभी कभी क्रिएटिविटी में आउट ऑफ द लिमिट हो जाती है, स्ट्रक्चर पॉइंट्स बहुत हंसे हंसी पात्र लगने लगता है वो, ठीक है। बहुत से लोग कुछ ऐसा तो बना बैठते हैं कि सर समझ ही स्ट्रक्चरल डिजाइनर तो फेल हो फेल हो जाता है, जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग भी फेस किए इस चीज को। तो जी इस जी चीज सर में क्या होता है कि जब आप एक बार बना लेते हो तो उसको कैसे होता है, इसीलिए आपके पास जब भी मॉड्यूलर के बाद बीम इंजीनियर होता है, ठीक है, जो कि उसको लॉजिकल बेस पे सोचता है कि यार ये मॉडलिंग संभव है कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद यस अगर सर संभव है तो ठीक है, फिर भी कोऑर्डिनेटर जाके चेक करता है, कोऑर्डिनेट करता है उनसे, भैया सब संभव है, प्रैक्टिकली बना रहे हो, वो चेक करता रहेगा एज अ मैनेजर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर और मैनेजर का काम लगभग सेम रहता है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी को पैक नहीं कर सकते, हाँ उसका एक सैंपल्स दे सकते हैं, कुछ ऐसा चाहिए, बाकी आप दिखाओ। और क्रिएटिविटी में ये काम आसान भी है, टफ भी, आसान उसके लिए है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी क्रिएटिविटी आती रहती है, ठीक है, बिल्कुल सर और उनके लिए टफ है जिनके जिनके अंदर की, जैसे कि अभी कुछ लोग के अंदर क्या होता है, मुझे तुम कागज़ पेन दे दो, मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में लिख दूंगा, ये क्या हो गई, ये लिखने की क्रिएटिविटी हो गई, है ना। बट यस हो सकता है बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके क्या बोलते हैं, जो बहुत से ऐसे काम होंगे जो मुझे दे दो, मुझे खाना बनाने दे दो, मैं समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, क्रिएटिविटी नहीं है मेरी वहाँ पे, बिल्कुल सर ठीक है। लोग किचन में कई लोग जाते हैं, देखे बस दो चार चीज़ें, उसी से पता नहीं क्या बना लेते, क्रिएटिविटी है। हाँ सर फैमिली में लेडीज तो छोटी लेडीज तो छोटी कैसे चीजों क्या से कुछ भी बना लेते हैं। कुछ भी बना लेते हैं, वो आलू के छिलके का भी कुछ बना लेंगे, हम नहीं बना सकते, है ना। एक दिन मैं आलू बिल्कुल छील, सर मतलब आलू घर पे ऐसे था, उसको ऐसे छीलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी माता जी बोलती है इस तरीके से छीलोगे आलू खराब होगा, क्यों, क्योंकि मैं तो चाकू से उसको ऐसे मतलब मजे के लिए छील रहा था, तो छील रहा था तो आलू कट जा रहे थे ना, तो बोलती इतना आलू खराब क्यों जी करना, इसको छीलनी से मारो फटाफट, और उसका लेयर के पतला सा कटेगा, पूरा आलू बच जाएगा, वो तो वहां से भी मार्जिन निकाल लेते हैं, क्रिएटिविटी है, ठीक है। जी जी सर तो इस तरीके से तो तुम क्या बोलते हैं, आराम से इसमें बीम में करियर अगर बनाना चाह रहे हो तो बनाओ बिलाल। दूसरी चीज बीम में क्या, एक बेनिफिट क्या है कि मतलब एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो बीम में अभी और ज़्यादा ओपनिंग्स निकलने वाली हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, और कई ढेर सारी रीजन्स हैं, अब इस पर तो नहीं जाऊँगा, बहुत डेप्थ है, ठीक है। लेकिन बीम्स में जैसे जैसे ओपनिंग्स निकलेंगी और जितने बाहर के प्रोजेक्ट्स हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, बिल्कुल सर तो उससे कंपनी हमें ज़्यादा पैकेज ऑफर करती है। तो जितनी भी एमएनसीज हैं जो बाहर की प्रोजेक्ट करती है, जब डॉलर में पैसे कमा रहे हैं तो आपको रुपीज़ में देना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है, और ये अभी और बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस केसेस जी में आप देखोगे तो जैसे रैमबॉल है, एटकिंस है, ई कॉम है, इनके एवरेज पैकेज 7 लाख 8 लाख के हैं, एवरेज पैकेज, ठीक है। तो ये बेसिस पर अगर तुम चाहो तो अपने करियर को इस पर डेवलप कर सकते हो। और बताओ कोई क्वेश्चन तुम्हारा। सर अभी तो यही क्वेश्चन है मेरे। अच्छा एक्चुअल में पॉडकास्ट का लेट पता चला, अगर हाँ कोई बात नहीं, तुम प्लान कर और पहले सकते पता हो, चलता तो मैं और क्वेश्चन नहीं अरेंज अभी कर हम लोग सकता था। इसको सैटरडे संडे को हम लोग रेगुलर बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे, या तो सैटरडे या संडे, ठीक है, तो बेस्ट है सर पॉडकास्ट बेटर। करते रहेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि जिसको और भी किसी को ज्वाइन करना है तो गाइस यहाँ पर नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप सैटरडे संडे को जब भी फ्री रहेंगे हम लोग, तो एक एक करके दो दो लोग, कैसे होगा कि ये मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई और लोगों की हेल्प कर सकता है ना, तो उनके लिए भी जी हो गया प्लस तुम्हारा भी सोल्यूशन निकल के आ गया, है ना। चलो सर बोलो अगर बोलो हम क्या इसको करना। एंड करना चाह रहे हैं, बट मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये हाँ रहेगा पूछो। कि जैसे सर लोग आजकल बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं BIM में आर्किटेक्चर को, और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बहुत देने लगे हैं, हाँ बट क्या है सर MEP का जो पार्ट है ना उसको लोग इम्पोर्टेंस कम देते हैं। बट नहीं थोड़ा जहां लोग, मैं देख हाँ बोलो बोलो। मैं मतलब देख रहा हूँ ना, जहां तक मैं सोच रहा हूँ MEP का पार्ट भी सर बहुत मतलब ब्रॉड तो है थोड़ा, बट हाँ ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और उसमें वैकेंसीज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं सर। तो उसका रीजन बताऊं, जी 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 सर उसका रीजन क्या है, देखो सबसे बड़ी रीजन तो ये है, कभी भी एज अ सिविल इंजीनियर तुमने कभी सोचा है कि मैं मैकेनिकल के कंपनी में जाके काम करूंगा, कभी सोचा है क्या, आज तक नहीं। नहीं सोचा ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं और जो मैकेनिकल वाले लोग हैं, उनका ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता ही नहीं कि हम सिविल के कंपनी में जाके काम करें, जी सर बिल्कुल ठीक है। और ये जो काम है एक्चुअली में अगर देखा जाए प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो ये पूरा काम जो मैके जो MEP में प्लम्बिंग वाला काम है, ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। क्यों, इसके पीछे लगता है HVAC, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके यस पीछे लगता है थर्मोडाइनमिक्स, जो कि लाइक मैकेनिकल में एक सबसे टफ सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग का मैकेनिक्स था, ठीक है। जी तो अब थर्मोडाइनमिक्स जिसने पढ़ा, जिसने HVAC पढ़ा, उसके लिए ये आसान हो जाता है MEP। रैबिट MEP मत जाओ, रैबिट MEP तो एक सॉफ्टवेयर है, MEP मेन है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है,
क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अब पूरा अभी तो सब ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कितने ढेर सारे सोलर पैनल लगे हैं, उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कितने इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, अब अपने लोगों के बस कितना ही है, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना। उसके बाद कितने ट्यूबलाइट हैं, कितने एसी लगेंगे, कितना टन एसी की रिक्वायरमेंट, कितना लाइट आ रही है, कितना हमको कंज्यूमर के तौर पे देना पड़ेगा, और उसके साथ कितना हमें ट्रांसफार्मर से उठाना पड़ेगा, ये तो अपने बस का नहीं रहा, ठीक है। तो इस नहीं बेसिस पे क्या होता है कि इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। बट क्या बोलते हैं, बोलो अच्छा बोलो है बुरा बोलो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर को इसकी अवेयरनेस कम है, ठीक है। तुमने कभी किसी मैकेनिकल वाले से बात नहीं किया होगा जो एमईपी की बात करे, गिन के दो चार फोन कमी लोग करते हैं कम ही लोग करते हैं। और सेम इलेक्ट्रिकल वालों से कभी पूछो कि तुम हमारे सिविल की कंपनी में कभी काम करने की सोचे हो, तो उनका एम ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं इसके बारे में। और पहली बात तो तुम देखो कि तुम्हारे बैच में हार्डली 2-4-10 लोगों को अभी तो चलो पता चलने लगा है बीआईएम के बारे में, पता होगा है जी ना, और उसमें भी एमईपी के बारे में बहुत कम। तो अगर कोई भी सिविल इंजीनियर अगर एमईपी को भी अपडेट कर लेता है, ठीक है, तो इसमें ओपनिंग्स ज़्यादा आपको मिलती है। रीज़न यही है कि मैकेनिकल वाला आता नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला आता नहीं, तो उनको मिलता नहीं ना कैंडिडेट, बिल्कुल सर, ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है ना सर, प्लस ये पॉइंट सिविल है। वाले के लिए, क्योंकि उसे एमईपी भी आता है, भले ही उसको एज अ कोर नहीं आता, बट ये है हाँ, कि थोड़ा बहुत आता है तो वो भी उसके लिए प्लस पॉइंट है। जो बीम मैनेजर बनता है उसको यही देखा जाता है। अब बीम मैनेजर बनने की एलिजिबिलिटी है कि बीम मैनेजर का काम क्या है, वो आर्किटेक्चर वाले से भी हैंडल करेगा, स्ट्रक्चर वाले से भी हैंडल करेगा, एमईपी वाले से भी हैंडल करेगा, तो उसको तीनों बिल्कुल आएगा तब तो हैंडल करेगा। जी, बिल्कुल तो सर, अगर ये तीनों डिसिप्लिन आ रहे हैं तो मैनेजर बनने का चांस तो ज़्यादा हो जाता है, कोऑर्डिनेटर बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक बिल्कुल है। सर, तो ये एक प्लस पॉइंट है डेफिनेटली। हाँ, इसे अभी क्या बोलते हैं, थोड़े से अगर मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसे आने लगेंगे, ओपनिंग्स कम होगी, बट वही है कि अवेयरनेस अभी बहुत कम है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे सर सॉफ्टवेयर हैं बिलाल जिसके बारे में पता ही नहीं लोगों को, आइडिया ही नहीं, ये भी होता है, जैसे भी मैं बात करूँ कि सॉफ्टवेयर बहुत है सर हाँ, और उस पर कंपनी में जैसे अभी ये कंपनी है एलएनटी में, तो नाम तो सुना ही होगा, मैट फाउंडेशन बिल्कुल यूज होता है। अब कोई भी कमेंट करके भी बताए तो बहुत रेयर है किसी को मैट फाउंडेशन आता होगा, ठीक है। सर, लोगों को ये नहीं मालूम कि मैट फाउंडेशन देते क्यों है देते क्यों है मैट फाउंडेशन, जी देते क्यों, सॉफ्टवेयर तो बड़ी दूर की बात हो गई। सर, पता तो मुझे भी नहीं था, बट ये कि आपके साथ ऐड हुआ हूँ ना जब से, तो तब से मुझे मालूम है। और हाँ सर, मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, तो मैंने 3 साल पहले जो आपसे सीखा था ना, वो आज भी मुझे याद रहती है चीजें। नहीं, वो तो मुझे पता है तुम्हारे बहुत ओल्ड स्टूडेंट हो और हमारे काफ़ी फेवरेट हो, तुमको पता है मैं कॉम्प्लीमेंट देने की मुझे थैंक ज़रूरत यू नहीं सर, है। और क्या बोलते हैं, बेसिकली बस हमें, हम देखो अपना काम क्या है बिलाल, अब देखो इसको हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, हम तो कॉल पे भी तुमको बता सकते थे, लेकिन कॉल पे बताने में सिर्फ तुमको पता चलता वो चीज़ है ना, हाँ सर, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकले हैं ना सर, जिससे बहुत से लोगों सबकी की हेल्प हो जाएगी। हेल्प हो जाएगी। और तुमने देखा है मेरा ये नेचर है, तो कोई मेरे लिए वो तो है नहीं नया कुछ है ना, मैं तो वैसा चाहता हूँ कि जितना बिल्कुल लोगों की हेल्प हो जाए अपने द्वारा, तो अच्छा है, ठीक है। चलो बिल्कुल गुड सर, बिलाल, तुम्हें कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा तो अपकमिंग सैटरडे संडे में कभी भी तुम ज्वाइनिंग करने के लिए आ जाना, ठीक है। सर बट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल सर, आप ना ये एज अ पॉडकास्ट या एज अ वेबिनार अगर आप सैटरडे में या संडे में अगर रखना चाहें तो रखें सर, बहुत अच्छा होगा इस। मुझे इसमें थोड़ा सा ये डाउट है कि इसको वेबिनार के तौर पर रखा जाए कि पॉडकास्ट के तौर पर रखा जाए, क्योंकि सर एक वेबिनार में मुझे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या लगता है बिलाल, कि जैसे कि अभी मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, अब आराम से 20-25 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, तो हो सकता है मैं सबके क्वेश्चंस ना ले पाऊँ, स्वाभाविक सी बात है, जी ठीक सर, है। तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, या फिर जी एक ही टाइम पर 4-6 लोगों ने पूछ लिया तो क्लैश हो जी जाए, सर, सर क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बड़े भी कुछ होते हैं, तो आंसर करना हाँ मुश्किल होता हाँ और जैसे कि अभी इस समय क्या है, इसमें सिर्फ तुम्हारी बात है, मेरा क्वेश्चन है, आंसर है, जी जी तो सर, मुझे सर लगता है यही बेटर है पॉडकास्ट बेटर रहेगा। जी। और क्या बोलते हैं, इसे लोग देखना भी पसंद करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी बात क्या हो गई ना बिलाल, कभी किसी भी बड़े टॉपिक के बारे में लोगों के पेशेंस ही खो गए हैं, लोग देख ही नहीं पाते, ठीक है। जी जी और सर वो बड़ा मतलब कि रील ने इस चीज़ को बहुत एडिक्शन, मैं तो बहुत रील का विरोध करते करते भी क्या बोलते हैं, फिर भी मेरे विरोध से क्या होगा, ठीक है। जब वो क्या है ना, देखो इसमें क्या होता है कि हमें एक तरीके से अफीम अफीम दिया जा रहा है, और इस अफीम को लेके हम पूरे दिन भुगत हैं, हम नया कुछ सोच ही नहीं पा रहे, सर, तीन ये तीन यूथ, घंटे निकल जाते हैं सर, ये यूथ मतलब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिलाल। 3 घंटे में ना अगर कोई पूरा प्रोजेक्ट देखना चाहे ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर बीआईएम का, तो वो देख सकता है, बट लोग रील में 3 घंटे निकाल देते हैं। हाँ,
अभी आज मेरा छोटा भाई है तो क्या बोलते हैं 8th क्लास में है अभी वो, तो वो मुझे घर वालों ने बताया कि 3 घंटे से कि 2.5 घंटे से मोबाइल चलाए पड़ा है, मोबाइल चलाए पड़ा है, और सिर्फ मोबाइल चलाया वो भी चोरी से, क्योंकि बच्चे तो जानते हो मोबाइल चोरी से ही चलाते हैं। तो मुझे बताया तो मैंने उसको फ़ोन किया ऐसे जस्ट मज़े के लिए फ़ोन किया, तो पर्सनली बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने उसे फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा यार ये उसका क्या बोलते नाम, हम लोग घर से प्यार से बाबा बोलते हैं, तो हमने उसको बोला कि क्या बोलते हैं ये बताओ अगर हम लोग गेहूँ बोएंगे तो क्या निकलेगा। तो बोलता है भैया गेहूँ निकलेगा। हमने बोला कि अगर आम बोएंगे तो क्या निकलेगा। तो बोलता है कि आम निकलेगा। हमने बोला अरहर बोएंगे तो क्या निकलेगा। बोला अरहर निकलेगा। फिर हमने बोला अनार बोएंगे तो क्या निकलेगा। बोलता है भैया जो बोएंगे वही तो निकलेगा। सही बात, यही तो निकलवाना चाह रहे थे सर आप। ठीक है। हमने कहा तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है। तो उसको मतलब तार्किक रूप से अब इसे डेली तो गाइड करना संभव नहीं है। ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है ये कच्चे घड़े हैं, जो एक 6वीं 8वीं के बच्चे हैं ये कच्चे घड़े हैं। इनको बनाया जाए तो बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, बट क्या होता है कि हम जैसे लोगों की दिक्कत क्या होती है, हम लोग अपने रोजमर्रा में इतने बिजी होते हैं कि अब ये मुझे पता चला तो मैंने कॉल किया, है ना। तो आप जी सोचो जी कि सर, अब ये कितना इजी वर्ड था और कितना बड़ा मैसेज दे रहा है सबके लिए। जी सर, जो हम बोगे वही सर। 3 घंटे जब हम रील्स को बोएंगे तो निकल के क्या आएगा, रील से निकलेगी उससे कोई रील से फायदा नहीं है निकलेगा उससे कोई फायदा नहीं है। अगर वो रियल जी सर। होता कुछ तो फायदा होता, रियल तो कुछ है नहीं। ठीक सर है। उनकी रील्स भी देखो लोग पसंद नहीं करते, जिनकी काम की है, जिनके शॉर्ट्स हैं इम्पोर्टेंट हाँ वो भी नहीं देखते लोग। नहीं देखते रील्स भी वही वाली देखते हैं जो काम खराब करती हैं, टाइम काम खराब खराब करती हैं। करते हैं। ठीक है। फिर मैंने उसको बहुत देर तक समझाया, फिर मैंने उसको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। तो मतलब कुल मिला के कैसे होता है कि चलो अपन तो ठीक है मोटिवेट कर दे रहे हैं, उसको समझ में भी आ गया कि कॉन्शियस माइंड जो रील्स हम देख रहे हैं ये सब कॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि रील्स बंद होने के बाद अब याद करो कि तुमने आज तक में हजारों रील देखे होंगे, कितने रील्स के पॉइंट याद है, कुछ एक नहीं, दो दो चार हटा दो कभी गलती से तो। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तुमने ब्रेन से देखा ना, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं देखा। जी सर। ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से हमें देखना पड़ेगा। और मैंने उसे क्वेश्चन पूछा कि क्या बोलते हैं दूसरा, एक तो ये हो गया, इससे उसको काफी फर्क पड़ गया। फिर मैंने उसको बोला कि तुम बताओ कि तुमने क्लास 5th में क्या बोलते हैं हिंदी का पहला चैप्टर कौन सा पढ़े थे। नहीं याद है। नहीं है ठीक है। फिर मैंने उसे पूछा कि क्या बोलते हैं क्लास 7th में क्या पढ़ा था, 8th में। मुझे पता था कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि कुछ याद तो रहेगा नहीं। तो फिर जी लास्ट में मैंने उससे पूछा ये बताओ कि जो तुम अपने कॉलेज मतलब अपने जो स्कूल जाते हो तो कितने ब्रेकर्स पढ़ते हैं। प्रॉपर बता दिया उसने। तो मैंने उसको बस यही जी समझाया कि ये ब्रेकर्स तुम्हें याद कैसे हैं। तो बोलता रोज जाता हूँ उसी रास्ते से, रोज जाता हूँ वो साइकिल, रोज ब्रेकर पे रोकना पड़ता है, ब्रेक मारना पड़ता है, याद है। मैंने जी मैंने बोला मैं यही समझा रहा हूँ, हमें चीजों को रोज करना पड़ेगा, जी सर, प्रैक्टिस जो हमें याद से ही करना परफेक्ट पड़ेगा बनाएंगे। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे। तो फिर मैंने आज उसको टू डू लिस्ट का एक हैबिट डलवाया। मैंने कहा तुम आज रात को लिखना कि हमने पूरे दिन में 2 घंटा क्रिकेट खेला, 1 घंटा ये किया, तुम शॉर्ट में 4 लाइन में करके मुझे फोटो भेजना। और ये प्रैक्टिस बहुत बड़ी प्रैक्टिस है अगर ये रोज कर लिया हो तो। बट पंगा बहुत है बढ़िया कि सर, इसका इम्प्रूवमेंट दिखता है सर इसमें। हाँ ठीक है, ये पंगा ये है कि 2 4 दिन तो डर के बोलो या प्रेशर में बोलो या रिस्पेक्ट में बोलो करेगा, अब फिर 2 4 दिन के बाद डगमग हुआ है इंसान। ठीक है। और वहीं पर एक्चुअल गाइड करने की जरूरत होती है बच्चों को कि फिर से कॉल कर दो करो, और वो भी करने का भी मतलब कैसे होता है चीजों की बात करने का सलीका होता है। आप डायरेक्ट किसी को प्रेशर करोगे तो नहीं करेगा। ठीक है। नहीं सर, अपन तो कैसे प्यार से उसी की बात को उसी से फंसा के। ठीक है। और ये एक्चुअल भी सही तरीका है कि बच्चों को गाइड करने का। चलो होप तुम्हारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा फिलहाल। ठीक है। और इस जी पॉडकास्ट को लोग भी बिल्कुल देखेंगे तो शायद उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल तो जरूर याद रखना, जो बोओगे वही मिलेगा। ठीक है। जी अगर ये सर, पॉडकास्ट बोया है तो कुछ नया मिला, 4 6 चीज़ें तो नई नई मिली है ना, जी तो एटलीस्ट सर, इसका भी कुछ पॉडकास्ट के वर्थ है। फॉर्म में ही अरेंज करेंगे तो बेटर रहेगा, जब हाँ हम खत्म कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा सर। हाँ मैं ऐसे कुछ इसका सीरीज ले आ रहा कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल की डिड यू नो ऐसे #podcast1, क्योंकि एक पॉडकास्ट अपना चल रहा है ऑलरेडी जॉब वाला, जॉब वाला इन द सेंस जो जॉब में है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आज भी हमने जी सर, रिकॉर्ड किया है, उसमें 4 पब्लिश हो गए हैं, 5वां आज रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब एक तो ये चल रहा है, ये वाला पॉडकास्ट में ऐसा कुछ चाह रहा हूँ डिड यू नो और आगे क्वेश्चन, तो जो जी भी सर, उस क्वेश्चन को सर्च करो अपने दिमाग में उनको रिजल्ट मिल जाए। जी सर, जिनके जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछ लेंगे। हाँ।
और प्लस उसके बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी हम उनको लिंक दे देंगे, तो अगली बार वो भी आके पूछ लेंगे, उनका भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। सर सर, जैसे आप ये जो पॉडकास्ट अरेंज करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं जो लोग वर्किंग, तो उसका लिंक मिलता है क्या सर उसको ज्वाइन करने के लिए? और मतलब जैसे कि तुम भी चाहो तो तुम भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जो हमारा करंट जॉब प्रोफाइल है उसको हम कैसे क्रैक करें, कल भी पॉडकास्ट है, तुम चाहो तो तुम ज्वाइन कर लो। अगर कल संडे, कल हॉलीडे है क्या? सर जी सर, कल हॉलीडे, कल कल संडे। कल तुम मुझे 4 बजे के आसपास अगर इवनिंग में फ्री रहो तो 4 बजे से लेके मैं फ्री हूँ, ठीक है, आगे तक लगभग जी आठ जी बजे तक, तो 4 से 8 के बीच में अगर फ्री हो तो एक पॉडकास्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेप्थ में बात करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से, जो तुम अभी काम कर रहे हो। जी सर, मैं अर्ली मॉर्निंग आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ मेरा बिल्कुल, शेड्यूल क्या रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चेक कर बस लो मेरा कि पूछना ये था कि जैसे सर आप, जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका आप पॉडकास्ट करते हैं, तो हम लोग उनसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, भले उसकी लिमिट हो, एक या दो क्वेश्चन की लिमिट हो, बट क्या सर उस टाइम उनसे लाइव क्वेश्चन पूछने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, मैं भी हम सिस्टम आपसे बना लिंक देता हूँ। लिंक्स में पूछे, हम आपको बताएं सर, और फिर आप पूछें, तो हाँ उसमें सर हो सकता है आप भूल जाएं, नहीं, ये चीज बेटर रहती ये है सर। होता है कि तुम डायरेक्ट पूछ लो, जी जी सर ठीक है, ये बेटर होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना बिलाल की, जैसे कि अभी हम लोग को भी ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमने 8 लोगों को पूछा तो लगभग 6 लोग तो कंफर्टेबल नहीं रहते कैमरे पर जी आने का, है ना, ये तो तुमने महसूस किया होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। और उसमें से 2 लोग जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ है, कुछ लोग तो रिस्पेक्ट में हो जाते हैं कि सर ने बोला तो चलो हो जाते हैं, ठीक है। और तो अब उनको मैं वीडियो पर ले आने की पहले प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एटलीस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, जी और सर उसके लिए हमें लाइव रहना पड़ेगा। बट ये तुम्हारा, मैं प्रयास करूँगा कि कोई अपना ऐसा बंदा हो जो कि क्विक आंसर भी दे सके, क्योंकि कैसे होता है बिलाल की हमें तो क्विक आंसर देने के लिए पूरा दिन भर हमारा काम है, बट हर कोई यूज्ड टू जी, नहीं होता इस चीज़ से। जिन्होंने अभी इमीडिएट अभी ज्वाइन किया है, तो वो लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिगनर लेवल पे जो आंसर नहीं कर सकते, या नहीं क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया कि हाँ हाँ वो उसके लेवल का ही नहीं था, तो इससे हाँ थोड़ा सा। तो बहुत चुन के ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। करेंगे ऐसा कुछ प्लान करेंगे, अगर तुम खुद रेडी हो तो बताना, या फिर कोई और रेडी रहेगा तुम्हारे सीनियर्स में तो बताना, ठीक है। ओके सर, हम बैकएंड में इस पर बात कर लेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंड चलेगा, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके जी, मोस्ट वेलकम। चलो तुमसे स्टार्ट हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, DDUNO की ओह सीरीज तुमसे स्टार्ट माय हुआ है, प्लेजर सर। ठीक है, मजा आएगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग करेंगे, कल तुम बता देना जैसा भी रहेगा, ठीक है, ओके सर, ओके थैंक जी, यू हाँ सर। ओके जी।